एजेंसी के सामने बंद होगी भाई। काफ़ी तो स्टार्टिंग सही है भाई। दूसरा डब्बा काफी गैप ज्यादा है। अच्छा तो अलग अलग गैप है भाई, इसने एरर बता दिया बैटरी लेट तो हो ही गया हूँ आज। टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग वाला सर्विस से रिलेटेड की क्या क्या होता है, सर्विस में सब कवर करेंगे। तो काफ़ी सर्विस हो चुकी है इसके पहले, बट आज इसका व्लॉग बनाता है कि सर्विस में क्या क्या चेंजिंग होता है। और इस बार तो इसकी सर्विस बहुत लेट होगी यार, ट्रिप लगा अपना कोटगढ़ और सरहान वाला, तो सर्विस और लेट हो गया, तो इसमें बहुत सारा काम करवाने को आ गया है। तो भाई आज हम अपनी ब्लैक पर्ल को ले जा रहे हैं इसके माइके बोल सकते हैं, इसका हॉस्पिटल बोल सकते हैं। तो इसका भाई काफ़ी सारा काम आज करवाने को, तो मुझे सर्विस करने बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो भाई सबसे नियरेस्ट है शिमला में, तो जो शिमला में वो शिमला का होकर शिमला में नहीं है, तो शोगी में भाई सोलन के नियर बाय तो अपना शोरूम। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा राजगढ़, तो भाई वहाँ मैं सर्विस कराता हूँ मैक्सिमम टाइम। तो भाई इसका बहुत कुछ काम होने वाला है, और कितने का इसका सर्विस होना है क्या क्या चीज़ तो सब बताएंगे आपको भाई। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, मैं आज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सामने मेरा गाँव नीचे। तो भाई व्यू काफ़ी अमेजिंग है इधर का। तो यार काफ़ी प्रॉब्लम दे रही, बीच में मिसिंग भी मार रही है, अगर मैं न्यूट्रल करता हूँ तो अपने आप बंद हो जा रही है, झटके झटके खा रही है। और अब इससे थोड़ी आवाज़ आ रही है, मुझे वही लग रही है कॉन्सर्ट की। तो सब कुछ आज चेक करवाएंगे भाई, फिल्टर वगैरह तो चेंज होना ही है। तो जल्दी से चलते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको बीच में जैसे झटके मार रही है, ये देखो अपने आप खींच रही है। और क्या भाई भंगानी मंदिर, तो माँ के पास माथा टेक के आता है, फिर अगला सफ़र शुरू करेंगे भाई। लेट तो हो ही गया हूँ आज, यहाँ तो दर्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ तो इधर माथा टेक के पैसे नीचे से जाऊँगा, पर जाऊँगा जरूर। जय माता दी। हाँ सर, राजगढ़ है 62 और 26 के नियर बाय में आगे घर से, तो इतना दूर भाई मुझे सर्विस कराने आना पड़ता है, और यहीं से 102 किलोमीटर है सोलन। वो चलता है हौली हौली, शाम को लेट जाऊँगा बेशक, तो सर्विस तो करा के जाऊँगा आज, फिर कल मुझे शायद गाड़ी की भी सर्विस करवानी भाई, तो 2-3 दिन तो मेरे सर्विस में लग जाने थे, तो पहले इसकी करवाता हूँ भाई। थोड़ा दिक्कत भी दे रही है, स्टार्ट होने में भी अपने आप बंद हो रही है, झटके ले रही है, और शायद मुझे लग रहा है इसका इंजन ऑयल बहुत कम हो रखा है। ड्रामा चल रहा है इसका, काफ़ी तो स्टार्टिंग सही है ये वाला ड्रामा की। तो अभी ये साउंड इफेक्ट होगा, तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है यार ये, अगर मैं गियर डाल रहा हूँ भाई तो अपने आप खींच रही यार। अब न्यूट्रल में चलता हूँ जहाँ तक चल सकता हूँ, फिर देखेंगे। अगर 6-8 किलोमीटर न्यूट्रल या नीचे उतराई है राजगढ़ के लिए, अब दिक्कत नहीं, तो बीच में तो इतना परेशान कर जाओगे, अपने आप धक्का पीछे अपने आप ले रही, झटका तकड़ा मार रही थी यार। थैंक गॉड अब मैं पहुँच जाऊँगा एजेंसी तक, तो फिर देखते इसका क्या फंडा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है बैटरी का फंडा भाई, क्योंकि लाइटें ब्लिंक कर रही थी, और जब मैं बंद करके ऑन करा था फिर लाइट ही नहीं आई थी, तो या तो फिर रिचार्ज नहीं हो पा रही है बैटरी, इसका कुछ फंडा है। तो जो भी होता है फिर एजेंसी जाके अब सब ठीक हो जाएगा भाई, नहीं तो भाई तो टेंशन में आ गया, अब तो टो कराने की बीच में नौबत आ गई थी भाई। तो फाइनली भाई पहुंच गया हूँ राजगढ़, ये लो ड्राम मिस के भाई, बड़ी मुश्किल से पहुँच रहा हूँ आगे को सामने। एजेंसी के सामने बंद होगी भाई।
हेलो मिस्त्री जी, कैसे हो आप? बढ़िया यार, हमारे हाल है। क्या हो गया? बंद हो रही है अपने आप, झटके खा रही है। लाइट लुट आ रही? लाइट भी नहीं आ रही, तो लो ब्लिंक कर रही है। अंदर ही लगा दो। ओ भाई, बैटरी का तो मुझे लग ही रहा है। तो अब देखते हैं भाई क्या क्या होता है इसमें। बैटरी का फंडा होगा। चार्ज हुआ थी आपके पास? चार्ज तो दिया, इतनी थी लास्ट टाइम चार्ज। बराबर 88 वोल्ट की इतनी है। चलो इसको चार्ज में लगाते हैं भाई। नहीं यार, इतना करंट भी नहीं है। ज़रा मीटर में देखो, ज़रा मल्टीमीटर में क्या बोलती है रीडिंग। अच्छा, इसे चार्ज हो जाएगा। ये भाई न्यू बुलेट स्टैंडर्ड एग्जॉस्ट साउंड विदाउट किक। चढ़ गई। हाँ, जैसे आपके हेड है। ये चेंज कर देंगे, कम होना है। कम है तेल? इसमें तो बहुत कम यार। नहीं, और भी तो और भी सोचा। मैं खजल हो गया, हमें इतना कम है। अच्छा, तीन साइड नट, चौथी चौथा फिल्टर। हाँ हाँ, तीन नट सॉल्व निकलेगा, वो चौथे से फिल्टर, ऑयल फिल्टर। दो खुल गए, तीसरा खुल रहा है। अब ये चेक करना पड़ेगा कितने ml निकला वापस इंजन ऑयल। ऑयल फिल्टर करते हैं चेंज। तीन से कौन सा सेक्शन होता है? अच्छा, छोटा। अच्छा भाई, ये 0.2 वोल्ट सब चार्ज होने के लिए 0.8 था। ज़्यादा कड़ा तो नहीं है? नहीं। तो टाइम पूरे ना सर्विस। बढ़िया काट दिया। इंजन ऑयल फिल्टर का अलग होता है ना? ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल वो मिलता है, कितना पड़ता होगा? क्या ना रहती है, पानी कितनी होगी? 800-900 भी होगी। 900-900, 1-2 घंटे सोता है। कितना मिल पड़ता है इसमें? 22 ml? 2 नहीं, 2 लीटर 300। 2 लीटर 300 ml डालता है भाई इसमें ऑयल। ये क्या भाई, दूसरा डब्बा। चेंज है तो ठीक है इसका? चेंज तो सही है। वो लगा पता रहा बीच में क्या छुड़ा देते हैं ना, जो चेंज किया था। ब्रेक शू क्या चीज़ें? ब्रेक शू ठीक है, सही है। चेंज नहीं करने? नहीं अभी तो। अच्छा, ये वाला है ये भी चेंज होएंगे आपसे में। फिर ऐसे हो जाते हैं ना, खुल जाते हैं, तो नरम से हो गई टी। फिर डाउन हुई थी ब्रेक, है ना? तो ये है अपने अंकुश भाई, यहाँ के सुपरवाइज़र बोल सकते हैं, रॉयल एनफील्ड राजगढ़। और ये है भाई एजेंसी राजगढ़ की। दो नई बुलेट भी आई है स्टैंडर्ड, जो नया मॉडल है वो भी दिखाएंगे आपको। वैसे दिखाई मैंने, फिलहाल सर्विस चली है। किस कलर की बुलेट है? ब्लैक, स्टील तो ब्लैक है। करा यार फिर ठीक है, ये भी चेंज करनी पड़ेगी। चेंज ये तो चेंज ना लिखा, ठीक है ठीक है। तो लगी इनकी लंका, न्यू डिस्क पैड काफ़ी मस्त है। कौन सा? अच्छा नहीं यार, बहुत बढ़िया है। ऑयल इसमें प्रॉपर होगा डिस्क में? होगी फुल चार्ज? ये तो भेजो का पॉइंट, कुछ और देखते हैं। बैटरी भी चार्ज होगी भाई।
ये बंद बैटरी सो रही है? हाँ। नहीं यार, फिर क्या करें? चलते हुए की चार्जी सही अलग है, एक्सचेंज करके देखते भाई। ओके, बैटरी की दिक्कत है सर, सेल्फ मान कर। ठीक बताओ तो, अगर 2500 की दे रहा बोले अंकुश बोल रहे महंगी पड़ती है बैटरी इसकी, सिंगल सीटर रखा इसको जचरी बढ़िया सिंगल सीटर में, एक ही बोल्ट है। इसने पूरा जंग खाया था तो ये पूरा चेंज होगा, इसकी वजह से खाया था, कवर लगाया था, रुपया पानी इसमें। तो भाई बैकट्विस्ट लग गया फिर से नया, अब ठीक है। किस पे से लगाइए, ऊपर नीचे? तार से, तार से। एक मिनट इधर को मोड़ना, शॉर्ट कटिंग कर रहा है मोड़ पे तकड़ी। एक साइड, एक साइड। हाँ गैप ज़्यादा है। अच्छा तो अलग अलग गैप है, एक इंच गैप यहाँ। कौन सा है इस पे मारना? ये ना पीछे से नहीं, आगे से ही। हाँ यहाँ तो पूरे अच्छे पकड़ा है यार, इसका सीन है ये। साइन ये झटके खा रही है, है? क्या वहाँ से ढक के आवाज़ आ रही है आगे से, हैंडल के पास नहीं आवाज़ है नहीं? क्या बोलते इसको, डोंगल? डोंगल अच्छा, बुलेट का भी डंबल लगता है। अच्छा ये बता दिया क्या दिक्कत है? मैं इधर आ गया ना कनेक्टेड मेरे फोन के साथ। अच्छा रॉयल एनफील्ड कनेक्ट नहीं, क्लासिक 350 स्कैन डिवाइस। तो भाई 3 मिनट का टाइम लेगा इसको पूरा कंप्लीट होने का, 13.6% हुआ। तो भाई इसने एरर बता दिया, बैटरी वोल्टेज लो, तो ये भी बैटरी वजह से फिलहाल इसको कर देते हैं डिलीट। अच्छा तो भाई अब पूरा काम हो गया, तो बिल देखते हैं बिल कितना बनता है। तो यहाँ पे आपको दो लगी हुई है, एक ब्लैक ये है नई वाली स्टैंडर्ड जो कि भाई विदाउट किक है, इसमें मज़ा नहीं है, पर किक वाला फील ख़त्म कर दिया रॉयल एनफील्ड ने। बट जो चीज़ लगी वो कमाल की, इसमें लाइट भी, इसमें LED रखी उन्होंने, ठीक है। तो मुझे फाइनल अपना बिल बन गया 2600, कुछ सस्ते मिल रहे इस बार में क्योंकि इसका बिल कुछ ज़्यादा बनता था हमेशा। चलो मैंने सोचा 3500 तक तो बनेगा क्योंकि इस बार काम थोड़ा ज़्यादा था, तो कुछ बार चले गए थोड़े, इनका वेट करता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से।